चीज़ी चिकन ड्रमस्टिक बना रहा हूँ दोस्तों। पिछला भी जो चिकन ड्रमस्टिक बनाए थे पिछले वीडियो में, उसमें भी आपने बहुत प्यार दिया दोस्तों, 1 मिलियन लाइक हो गए उस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 पीस चिकन ड्रमस्टिक ले लिया, एक बर्तन में डाल लेंगे। उसके अंदर 2 मीडियम साइज के आलू, 3 से 4 लहसुन की कली और 2 गिलास पानी डाल के इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल के इसको 10-15 मिनट के लिए अच्छे से पका ले। तो मैंने इसे 15 मिनट तक अच्छे से उबाल लिया। देखिए मेरा चिकन अच्छे से गल चुका है। बस अब चिकन को हम एक प्लेटफॉर्म पर लेंगे और इसके अच्छे से मीट निकाल लेंगे ऊपर से, और इसकी बोन को अलग रख लेंगे। सारी बोन को निकाल के अलग रख लेंगे। इसके मीट को अब अच्छे से हम इसे चॉप कर लेंगे, इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेने के बाद इसको एक बोल के अंदर डाल लेता हूँ मैं। जो हमने आलू को उबाल के रखे थे, आलू भी इसके अंदर दोनों डाल लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 1/2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला और नमक स्वाद अनुसार। और इसी के साथ इसके अंदर मैं डाल दूंगा 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर और हरा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो इसका थोड़ा सा पोर्शन लेके इस तरह से फैला लेंगे और ऊपर से मोजरेला चीज़ डाल के इसमें ऊपर से बोन रख के इसको इस तरह से ड्रम स्टिक का एक शेप दे देंगे। इस तरह से शेप देके सारों को एक प्लेट में रख के इसको 1/2 घंटे के लिए हम फ्रिज के अंदर छोड़ देंगे सेट होने के लिए। 1/2 घंटे के बाद मैंने 2 अंडे तोड़ लिए एक बोल के अंदर। सारे अंडों को अच्छे से फेंट लेने के बाद मैंने 2 ब्रेड लिए, उसको मिक्सी जार में डाल के इसका क्रम बना लिया है। अब जो हमारे चिकन ड्रम स्टिक है उसको हम अंडे से अच्छे से कोट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद जो हमारे ब्रेड क्रम में अच्छे से इसे कोट कर लेंगे, सारे ऊपर से अच्छे से लगा लेंगे। और फिर उसके बाद इसको हम गर्मा गर्म तेल के अंदर डाल के अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब अच्छे से कलर आ जाएगा तो निकाल के हम सर्व करेंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इसी रेसिपी के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।